हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सही होंगे आप लोग। आज मैं आपको नवरात्रि के लिए नवरात्रि विशेष नवग्रह यंत्र बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, लेकिन जब नहीं होते हैं, ये मैंने ले लिए हैं। पिछले साल से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ, तो जो लोग नहीं बना पाते उनके लिए बहुत बढ़िया है। सारे ग्रह के जो है वो रंग यंत्र इसमें है, आप आसानी से इनकी पूजा कर सकते हैं। किसी भी पूजा पंसारी की शॉप पर मिल जाएंगे। छोटा वाला 20-25 का आता है, बड़ा वाला 150 रुपये से ज़्यादा का नहीं आता। आप इनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं बना चाहते किसी कारणवश, तो मैं आपको बता दूं कि आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, कुछ लोग नवग्रह क्या करते हैं, यंत्र के हिसाब से बनाते हैं, मतलब हर यंत्र का चित्र बनाते हैं। तो आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बना के दिखा दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिखाएं जरा वो कागज जी। तो ये इसके कुछ आकार हैं, जो बुध का है वो तीर है, और शुक्र का चौकोर सा खाना रहता है, चंद्र का चंद्र बनता है, बृहस्पति का जो है वो बृहस्पति का सूर्य का लाल बनता है, और सबके अपने अपने आकार हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इस मेथड से नहीं बनाती, इसलिए नहीं बनाती, अगर इस मेथड से बनाना है तो चंद्र वो सूर्य चंद्र का सीधा सीधा ग्रह ले लेना चाहिए व्यक्ति को। मैं आपको सीधा सा तरीका बताती हूँ। अब मैं आपको इससे थोड़ा सा देख के बताऊँगी कि जो है वो किस रंग से कौन सा बनना है, ठीक है फ्रेंड्स, और किस विधि से बनाना है। तो पहला जो है ग्रह जो बनेगा वो हरे रंग से बनेगा। आप अपना चश्मा ले लीजिए, मैं इसे कैसे बनाऊंगी मैं वो आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि साधारण तरीका, एकदम साधारण तरीका, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ लोग चौकोर बनाते हैं, कुछ लोग गोल बनाते हैं, आप किस प्रकार से बहुत अच्छे से बना सकते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मैंने एक गोल ढेरी बनाई है, इस पर मैंने ये हरे रंग का भर दिया है। ये किसका बुध? ये बुध का है। मैं कह रही हूँ किसका है, ये बुध का है। इसके बगल में शुक्र का बनेगा। और ऐसे आप किनारे किनारे इनके चारों तरफ चावल रख दें, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये है ये बहुत अच्छे से खुल के आपको समझ में आएगा कि इनफैक्ट आपने बनाया क्या है। तो ये यंत्र मैंने बुध का बना दिया, ठीक है। ये देखिए, नवरात्रि वाले दिन इतनी पूजा पाठ रहती है क्योंकि आपके बस का होता नहीं, और कोई भी पंडित जी डिज़ाइन से नहीं बनाते, स्वयं से आप बना लें तो ठीक है, वो नहीं बनाते। और इसके जस्ट बगल में देखिए, आप घर में दिशा के हिसाब से नहीं बना सकते क्योंकि घर में दिशा का कोई मतलब होता ही नहीं है। नवरात्रि में दसों दिशाएँ खुली रहती हैं, तो सारी दिशा शुभ होती हैं। दूसरा किस कौन सा है? शुक्र का है, सफ़ेद रंग के चावल से। तो अब सफ़ेद रंग के चावल के लिए क्या करेंगे? अब सफ़ेद रंग के चावल से बनाएंगे और क्या करेंगे। तो ये हमने लिया सफ़ेद रंग का चावल और इसकी बना दी एक ढेरी, ठीक है फ्रेंड्स। ये सफ़ेद रंग के चावल की ढेरी बन गई है, गोल आपने इसे बना लिया, ठीक है। और थोड़ा सा चावल भर दें हम इसमें। अब इसके बगल में हम लोग क्या करेंगे कि ये उभार दिखता रहे, इसके बगल में हम लोग थोड़ा हल्का सा किनारी जो है, जैसे हमने हरे के साथ सफ़ेद का बनाया है, इसके साथ हम ये बना देंगे। कहने का मतलब ये इसका हम लोग एक बॉर्डर बना देंगे, उससे हम लोगों को पता रहेगा कि हमारा कौन सा ग्रह किस चीज़ का है और किसकी हमें पूजा करनी है, किस विग्रह की और ग्रह की हम पूजा करने जा रहे हैं, सही है ना। तो फ्रेंड्स, ये उनके लिए है बहुत साधारण सा। सफ़ेद रंग का चंद्रमा, और इसी के बगल में सफ़ेद रंग का चंद्रमा बनता है, ठीक है। तो ये तो दो ग्रह मैंने बना दिए। सफ़ेद रंग का चंद्रमा बनता है का मतलब ये है कि हम अब बनाएंगे चंद्रमा। मैं आपको एक साधारण तरीके से चंद्रमा बना के दिखा देती हूँ, आपके पास अगर नहीं है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। एक सेकेंड मैं दिखा दूँ ना, ये चंद्रमा लोग कैसे बना सकते हैं। मेरे को बनाना आता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रही कि देखिए फ्रेंड मैं तो बना लूँगी, आप लोग नहीं बना पाए, कोई बात होगी तो आप कहेंगे दीदी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बताती है, हम तो कर ही नहीं पाते हैं, दीदी तो कर लेती है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके लिए हैंड को सेट करना होता है, और दो ही चंद्रमा की हमारे यहाँ पूजा होती है, या तो इस चांद की होती है या जो है वो चौथ के चांद की होती है। तो इसमें हम लोग आधा चंद्र बनाएंगे। तो वो किस प्रकार बनता है, इनके चित्र इस प्रकार के होते हैं। ये फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, दिख रहा होगा आपको, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये है चंद्र, आधा चंद्र इस प्रकार का बनता है। तो ये चंद्र का है, लेकिन मैं चंद्र ना बना के आपको डायरेक्ट ये दिखाऊंगी कि मैं किस प्रकार से बनाती हूँ, मैं किस प्रकार से पूजन करती हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगी।
तो ये हमारे सिर्फ सफेद रहेंगे क्योंकि चंद्र एकदम सफेद है, इनके साथ कोई मिलावट नहीं की जा सकती। तो मैं यहाँ बगल में बनाऊंगी, अभी मैं आपको पूरा दिखा दूंगी, आई होप आप लोग पूरा देख पा रहे होंगे। तो ये आ गया, ये हमारे सफेद रंग के जो है वो बन गए हैं। जाने दीजिए, दिख तो रहा है, बाद में रहेगा तो किसी कलर से बना देंगे। तो फ्रेंड्स ये सफेद हो गया। अब इसके बाद नीचे बृहस्पति का किस रंग से है? पीले रंग से। तो फ्रेंड्स बृहस्पति पीले रंग से हैं, तो जिन्हें हम लोग गुरुदेव कहते हैं उनके बारे में जो केमिस्ट्री है मैं बता चुकी हूँ कि बृहस्पति देव जो है वो हमारे ग्रहों के और वो हैं गुरुदेव, देवताओं के गुरु हैं। तो सारे देवताओं के गुरुदेव हैं वो, हमारे सारे देवताओं ने उन्हीं से जो है वो ले रखी है, गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु दीक्षा ले रखी है। अब ले रखी है कि नहीं ले रखी है फ्रेंड मुझे नहीं पता, वरना आप लोग पूछने लगे कि आपको कैसे पता गुरु है तो हो सकता है ले रखी है भाई, क्योंकि वो गुरु है। तो गुरु तो तभी बनता है व्यक्ति जब कोई उनकी गुरु दीक्षा ले ले। तो मैं ऐसे सजा देती हूँ अच्छे से, फिर आपको बताती हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास समय की कमी है, बहुत कम समय में भी पूजा करना चाहते हैं। वरना अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिज़ाइनदार आपको बना के बता दूंगी। कमेंट करिएगा आप लोग अगर चाहते कि नहीं मैं सारा डिज़ाइन बना के बताऊं, तो वो आप लोग चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो मिल जाएंगे, आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। देखिए फ्रेंड पूजा अच्छे से होनी चाहिए, आप थोड़ी करें या ज़्यादा। तो अब सूर्यदेव जो हैं हमारे वो लाल रंग से बनेंगे। तो सूख गए हैं चावल, तो फ्रेंड्स इन चावलों को आप एक दिन पहले रंग लीजिएगा फूड कलर से, क्योंकि इनका होगा विसर्जन। तो अगर पानी में करेंगे तो मछलियाँ खाएंगे, नहीं पानी में करेंगे भूमि में करेंगे कीड़े खाएंगे। तो कोई केमिकल का जो है वो इसमें वो नहीं रहेगा, फूड कलर है तो किसी को नुकसान नहीं करेगा ये। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे ना तो आपको चावल रंगना भी बता दूंगी, वैसे इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि बताना पड़ेगा, आप लोग सब जानते हैं कि चावल कैसे रंगा जाता है। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके ये हमारे सूर्य बन गए हैं। तो सूर्य का कलर जो है वो लाल और पीला होता है, लाल भी दे सकते हैं हम लोग सूर्य को, पीला भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी अंडरलाइन जो है वो हम लोग अंडरलाइन ही बॉर्डर हम लोग पीला बनाएंगे। और बहुत ही साधारण तरीके से फ्रेंड्स ये बन जाता है। आप देखिए मैं लगभग लगभग उसमें से काला वाला उसको बोल रहे हैं मंगल, किस रंग से है? सफ़ेद है वो तो, नहीं मंगल लाल, मंगल भी लाल है। लो फ्रेंड मंगल भी लाल हो गए, हमें तो पता ही नहीं चल चलिए कोई नहीं। तो ये हमारे सूर्यदेव बन चुके, सूर्य हमेशा सब ग्रहों के बीच में आते हैं। अब मंगल जी जो है हमारे वो लाल हैं तो हम उन्हें लाल बनाते हैं। और इस लाल के बगल में हम लोग जो है वाइट से बॉर्डर बना देंगे ना, तो वो अच्छा लगेगा। आप चाहें अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी बना सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको बनाने हैं। मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ क्या होगा, ये कलर हैं, प्रतीक हो गए नवग्रह के। और फ्रेंड्स मैं बोल नहीं रही, वैसे जब आप जो भी बनाइएगा उसमें जो ग्रह बना रहे हैं उनका स्मरण जरूर करिएगा। जैसे आप बुध का बना रहे हैं तो बुध का स्मरण करिएगा, बृहस्पति देव का बना रहे तो बृहस्पति देव का स्मरण करिएगा। मैंने जैसे आपको एक पूजा में बताया कि देखिए मैं कोई काम ऐसा नहीं करना चाहती जिसका दुष्परिणाम आए। अभी नाम लेने का मतलब ये है कि फिर मैं इनकी विधिवत पूजा करूँ। आगे बताएं, केतु काले रंग से। तो फ्रेंड्स काले रंग के तो चावल मेरे पास थे नहीं, तो हम इन्हीं को लेंगे पैकेट वाले ही फाड़ दें। तीन महीने में काले रंग, केतु शनि और राहु। ठीक है, तो नीचे तीनों काले हैं, किस किस में काला हमें पहले बता दें। ये हो गए काले, ये किस चीज़ से रंगे हैं? शनि हो गए, राहु हो गए, ये तीनों काले रंग के हैं। शनि तो है ही, शनि का तो मुझे जानकारी है। किस चीज़ से रंगा है ये चावल? काला फूड कलर आता है क्या? मुझे तो नहीं पता, आपने पूछा नहीं उससे, आप ही लेकर आए हैं। पैकेट में था, हम क्या पूछते हैं। ले चलिए अंडरलाइन बना देते हैं, अच्छे लगेंगे, नहीं तो ये ना सब मिक्स मिक्स लगेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पहले कौन से हैं काले वाले? राहु। और यहाँ कौन से हैं?
पुत्र पिता का कैसा मिलन है यहाँ पर। देखा फ्रेंड्स, पुत्र जो है ठीक पिता के नीचे हैं। शनिवार की शनि पूजा का विधान कुछ अलग है, अगर आप लोग जानना चाहेंगे ना फ्रेंड्स तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो आप जो भी नवग्रह बनाइएगा उनका स्मरण जरूर करिएगा। मैं अभी आपको सिर्फ बना के बता रही, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, तो डोंट माइंड, कोई ये ना माइंड ना करिएगा कि दीदी जो है क्या इतनी देर से बना रही हैं। देखिए जरा सी लापरवाही और आपका काम तमाम। पकड़ लें इस कपड़े को, कुछ दबा दें आप, तो मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करते। सब लोग ऐसे बोलते हैं जीजू हेल्प करते हैं, जीजू हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं जीजू आपके? कोई नहीं करते हैं, मैं करते हैं सारा काम। नहीं, बहुत हेल्प करते हैं, मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। हर जन्म में भगवान हमको ऐसा ही पति मिले। और एक लोग बोलते हैं भाभी जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को यूट्यूब से बहुत नए नए रिश्ते मिले हैं ना, कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे रिश्ते भी मिलेंगे हम लोगों को यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये हमने बना लिए, ठीक है, ये हमारे नवग्रह हैं। आप चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी विचारधारा के अनुसार बना, आप चाहें तो चौकोर चौकोर बना लें, मैंने गोल गोल बना दिए हैं। अब विशेष क्या है, जब आपने बुध बनाए तो आपने बुध ग्रह का नाम स्मरण करना है, आपने ये बृहस्पति बनाए इनका नाम स्मरण करना, मंगल बनाया इनका, सूर्य इनका, सबके नाम स्मरण आपने कर लिए, ठीक है। आपने कहने का मतलब इन्हें पुकार लिया, बुला लिया कि प्रभु देवता आए बैठें विराजमान हो, ताकि 9 दिन तक हम 9 दुर्गों के साथ साथ आपकी भी पूजन करें। देना ज़रा सिपाड़ी दें यार। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स इनके पूजन में विशेष, अब आप आसमनी करके अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। ये होता है ग्रह का प्रतीक, मैं आपको सही चीज़ बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको सिर्फ इसी तरीके से बना के बता दिया। सिपाड़ी में सभी देवताओं का वास हो जाता है अगर आप ध्यानपूर्वक अपना पूजा पाठ करते हैं तो। आप चाहें तो बड़ी वाली सिपाड़ी ले सकते हैं। ये बैठ गए हमारे नवग्रह, ये सारे हमारे ग्रह हैं। ये चावल तो सिर्फ इनका प्रतीक है, ये हमारे ग्रह हैं। आप इन पे कलावा चढ़ा सकते हैं, धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए, 9 ग्रहों का अनुष्ठान करिए, इन्हें बुलाइए, पुकारिए, बिठाइए और कहिए आइए प्रभु हमारे घर में बैठिए, शांत हो जाइए, हम सबको शांत कर दीजिए, मन को शांति दीजिए। आप इस तरीके की प्रार्थना करके 9 रात्रि के प्रथम दिन से इनका पूजन शुरू करते हैं, 9 दिन तक इनका पूजन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप 9 ग्रह में जो है वो विसर्जन करेंगे इन सब सामग्री का, ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड देखते देखते ये वीडियो 13 से 15 मिनट की होने जा रही है। तो ये 9 ग्रह एक तरीके से मैंने बता दिए, और जब आप ये सिपाड़ी रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ यूँ ही रख दिया, आप इस प्रकार से रखिए जैसे ये बुध है, तो आप ओम बुधवाय नमः, ओम बुधवाय नमः, ओम बुधवाय नमः, यही है। और प्रभु आप आसन जो है वो ग्रहण करें, तो इन्हें फिर यहाँ बिठा दें, ठीक है। ऐसी इनका है सूर्य का, आप सूर्य का मंत्र देख लीजिए, नहीं तो आप ओम सूर्याय नमः कर सकते हैं, तो आप इन्हें ऐसे यहाँ बिठा के इनका आसन ग्रहण करवा दें। शनि जी का है तो आप इनका ओम श्री शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चराय नमः, कई मंत्र हैं, आप भी प्रभु आसन ग्रहण करें, इन्हें यहाँ बिठा दें। कहने का मतलब ये जो चावल है ये नवग्रह नहीं है, ये सिर्फ इनके प्रतीक हैं। नवग्रह तो ये हैं, ये जी फ्रेंड्स ये है नवग्रह। तो मैं आपको सही चीज़ समझाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और हमारी बहुएं, बेटियां, भाई बंधु सब बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, तो आप लोग अपने तरीके से भी कलाकारी करके बना सकते हैं। आप अष्टदल कमल का बनाइएगा 9 पत्ती वाला, उसमें सब एक रंग भर भर के बीच में आप जो सूर्यदेव को साइड से बिठा सकते हैं, गोलो बन जाएगा वो, अति उत्तम रहेगा। क्यों रहेगा मैं आपको बताती, देखिए इसमें तो एक एक चीज़ हो गई, उसमें वो 10 दिशाओं का आपका नवग्रह बनेगा, ठीक है फ्रेंड। तो अष्टदल कमल वाला भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको बताने की, समझाने की कि आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इन सब सामग्री, उन सब सामग्री, वो सब सामग्री, मतलब अखंड ज्योत और खप्पर, ये सब जो भी है ब्ला ब्ला, सबको कैसे जो है वो विसर्जन करना है, समस्त नवग्रह पूजन या 9 दिन की पूजन की सामग्री के विसर्जन का वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और नहीं बांटेंगे तो नहीं बढ़ेगा, छोटा सा हो जाएगा ज्ञान। तो ज्ञान को बांटते रहिए, बढ़ाते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ही वीडियो को
देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी अच्छी अच्छी जानकारी। तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप तो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करें ना, मुझे अच्छा लगता है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते, फ्री होता है, आप कर सकते हैं। और मुझे भी पैसे नहीं मिलते सब्सक्रिप्शन के तो वो सिर्फ मोटिवेशन है। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उससे मुझे अच्छा लगेगा और हमारा परिवार भी तो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। फ्रेंड्स बाय बाय, नवग्रह ज़रूर बनाइएगा, नवरात्रि में पूजन भी करिएगा। नवग्रह का नहीं बना सकते तो पाटा ले सकते हैं, शुरुआत में मैंने दिखाया हमारे नवग्रह का पाटा कहते हैं, आपके नवग्रह यंत्र के नाम से भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय।